हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन सा तेल खाने के लिए सबसे अच्छा है। चाहे किसी को दिल की बीमारी हो या किडनी की बीमारी हो, चाहे मोटापे के लिए, चाहे जनरल हेल्थ के लिए चाहिए होगा, कौन सा तेल सबसे अच्छा होता है हम वो जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए, किसी भी तरीके का तेल है वो फैट है। फैट कभी खाने के लिए अच्छा होता ही नहीं, हेल्थ के लिए ओवरऑल वो बेकार ही होता है। हाँ, तेल के अंदर कुछ क्वालिटी होती है, उसके अंदर कुछ ऐसे कंटेंट होते हैं, फैटी एसिड की चेन होती है, जो अच्छी बुरी हो सकती है। ओवरऑल तेल नहीं खाना ही बेहतर होता है। अगर हम खा ही रहे हैं तो उसमें क्या अच्छा बुरा है, वो चीज़ें हम जानने वाले हैं तेल के अंदर। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें, उसके फैटी एसिड के कंटेंट की बात करें, तो सबसे पहले आता है सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट का मतलब है कि जितने भी कार्बन के मॉलिक्यूल हैं सब पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो सैचुरेटेड फैट बुरा होता है। स्टडीज में पाया गया कि सैचुरेटेड फैट से दिल की बीमारियां, एथेरोस्क्लेरोसिस और गंदा वाला कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और खाने में मोनो अनसैचुरेटेड मतलब कि जो फैटी चेन है उसमें दो कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है, मतलब उस पर हाइड्रोजन नहीं लगा है। और पॉली अनसैचुरेटेड मतलब कि बहुत सारे ऐसे कार्बन मॉलिक्यूल हैं जिनके बीच में डबल बॉन्ड है। पॉली अनसैचुरेटेड में एक ओमेगा 6 और ओमेगा 3 होता है। अगर 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो ओमेगा 6 हुआ, और 3 पे हुआ तो ओमेगा 3 हो गया। ये दोनों अच्छे होते हैं। और एक होता है ट्रांसफैट, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ट्रांसफैट अमूमन तब होता है जब किसी भी तेल को गर्म कर दिया जाए। तो जो हलवाई की दुकान पे तेल होता है, जो बाजार में समोसे बार बार तलते जाते हैं, पकौड़े बार बार तले जाते हैं, या आप अपने घर में ही बार बार तेल को तलो, तो ट्रांसफैट होता है। तो सबसे बेकार वही होता है, सबसे ज़्यादा एथरोजेनिक प्रॉपर्टी उसमें होती है। फिर सैचुरेटेड फैट नहीं होना चाहिए। सैचुरेटेड फैट पहचानने का तरीका यह है कि ऐसा तेल या ऐसा घी जो रूम टेम्परेचर पर जमा हुआ है, जैसे कि वनस्पति घी है, डालडा है, रुचि है, गगन है, या देसी घी है, ये सारे सैचुरेटेड फैट में आते हैं, बेकार होते हैं। तो आपके तेल की क्राइटेरिया क्या हुई कि एक तो ट्रांसफैट नहीं होना चाहिए, सैचुरेटेड फैट कम होना चाहिए, सबसे ज़्यादा होना चाहिए पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड। पहले ये देखिए आपके स्क्रीन पे तेल का जो न्यूट्रिशनल फैक्ट है 100 ग्राम का, वो देखिए। इसमें एनर्जी 1 ग्राम में फैट में 9 ग्राम होती है, तो 100 ग्राम में 900 किलो कैलोरी हो गया। प्रोटीन 0 होता है तेल में, कार्बोहाइड्रेट 0 होता है, ठीक है। और कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई और के। और इसके अलावा कुछ एंटीऑक्सीडेंट वगैरह भी होते हैं थोड़े बहुत। और ये फैट कंपोजिशन आप देखोगे, जैसे कि इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट है 61 ग्राम, पॉली अनसैचुरेटेड 30 है, और थोड़ा सा ट्रांस फैट और थोड़ा सा सैचुरेटेड फैट। मतलब ये जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, एकदम आइडियल कंडीशन। आप जब भी मार्केट में देखेंगे तो इस तरह से लेवल देखेंगे तो सबसे अच्छा होता है। अब जो रियल प्रॉब्लम है दूसरे स्क्रीन पे, इस स्क्रीन पे देखोगे इसमें लिखा है, इंग्रेडिएंट में क्या लिखा है, रिफाइंड इंपोर्टेड रैपसीड ऑयल। ये कनोला ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ। तो सारी प्रॉब्लम शुरुआत होती है रिफाइंड ऑयल से। रिफाइंड का क्या मतलब है कि हमने जो तेल का बीज है, किसी भी तेल का हो, चाहे सरसों का, चाहे मूंगफली का, चाहे ऑलिव ऑयल का हो, कोई भी तेल को हमने रिफाइंड प्रोसेस से उसका तेल निकाला है। रिफाइनिंग प्रोसेस दो तरीके से होती है, एक होती है फिजिकल और एक होती है केमिकल। आपकी स्क्रीन पे रिफाइनिंग प्रोसेस देख लो, फिजिकल केमिकल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत सारी कंपनियां फिजिकल रिफाइनिंग ऑयल करके बोलती हैं, एक्चुअली फिजिकल रिफाइनिंग केमिकल रिफाइनिंग से भी बेकार होती है। तो रिफाइनिंग होती है चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल, बल्कि फिजिकल रिफाइनिंग जब लार्ज स्केल में ऑयल प्रोड्यूस करना हो तब के लिए ज़्यादा सुटेबल होती है। फिजिकल रिफाइनिंग में जो तेल है वो गर्म करके निकालते हैं, गर्म करने पे तेल का जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाता है, तो जो अनसैचुरेटेड फैट है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो। तो जिसमें जैसे आप स्टेप देखोगे तो इसमें जो ब्लीचिंग की स्टेप है या डिओडराइजेशन है, ये सारी स्टेप कॉमन है। बस एक जो इनिशियल की स्टेप है डीगमिंग वाली, उसमें भी अंतर होता है। अब ये रिफाइनिंग इसलिए की जाती है कि एक तो ज़्यादा तेल निकल आए और दूसरा दिखने में अच्छा है, जो दुर्गंध है वो चली जाए, तेल उबालते समय झाग नहीं आए। तो यहीं से हमें समझना है कि हमें वो वाला तेल लेना है जो बिल्कुल नेचुरल हो, कच्ची घानी का हो, जिसको कोल्ड प्रेस किया गया हो, जैसा कि जो तेल निकालने की दुकान पे होता है। तेल में से उसकी खुशबू आए, चाहे खुशबू आए आपको या बदबू आए, देखने में अच्छा नहीं हो, आँख में जलन हो या झाग लगे, वो वाला तेल बेस्ट होता है। तो यहीं से आपको चुनाव करना है कि हमें वही तेल लेना है जिसमें लिखा होता है कि कच्ची घानी है, रिफाइंड वाला नहीं लेना है। रिफाइंड नहीं लेना, उसके पीछे का कंसेप्ट यह है कि जब हम तेल को रिफाइन करते हैं,
फिजिकल रिफाइनिंग जैसे कि स्पेशली करते हैं, तो इसमें जितने तरह के विटामिन है या एंटीऑक्सीडेंट होते हैं अच्छी चीज़ें, वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए जैसे कि आपकी स्क्रीन पे ये इंग्रेडिएंट देखोगे, इसमें लिखा है कि इन्होंने सब जो विटामिन ए डी है इसको अलग से डाला है, फोर्टिफाइड किया है, या जो एंटीऑक्सीडेंट है उसको अलग से डाला है, एंटी फोमिंग एजेंट डाल दिया, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो फैट है वो टूट जाता है, वो किस में टूट जाता है, फ्री रेडिकल में टूट जाता है, जो कि बेकार चीज़ होती है। तो जब हम रिफाइनिंग करते हैं, कोई भी तेल को रिफाइन करते हैं, तो उसके जो डबल बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। तो जो अनसैचुरेटेड है, पॉली हो चाहे मोनो अनसैचुरेटेड आयल हो, एक तो उसमें क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक होता है मिलोन डाई एल्डिहाइड। ये कंपाउंड क्या करते हैं, एक तो एथरोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, मतलब जो आर्टरी होती है उसको ब्लॉक करते हैं, और दूसरा कैंसरस प्रॉपर्टी होती है, इन्फ्लेमेशन कराते हैं। इसलिए कैंसर के, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन के, हार्ट डिसऑर्डर के, जो ओबेसिटी है, मोटापा होने के, डायबिटीज के रिस्क बढ़ जाते हैं। इसलिए ये रिफाइनिंग वाली प्रोसेस वाली चीज़ हमें लेनी ही नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं तो फिर सबसे अच्छा कौन होता है, तो सबसे अच्छा है, हमें शुरुआत में जो क्राइटेरिया रखना है कि हमें तो लेना है कोल्ड प्रेस लेना है। कोल्ड प्रेस एक तो वो प्रोसेस ऐसी होती है, आप कोल्ड प्रेस का एक इमेज देख लो कि कैसे कोल्ड प्रेस करते हैं, इसको कैसे दबाया जाता है, कितना कठिन होता है, और उसमें वेस्ट जो मटेरियल होता है वो भी ज़्यादा होता है, मतलब उसमें तेल कम निकलता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। और दूसरा, कोल्ड प्रेस आपको उसी तेल का मिलेगा जो लोकल एरिया में मिलता है, तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तेल हमें वही लेना है जो हमारे एरिया में रहती है। ऐसा कोई राज्य जहाँ पे सरसों का अगर वहाँ पे उत्पादन होता है तो वो लोग सरसों का तेल खाएं, सोयाबीन का होता है तो सोयाबीन का खाएं, मूंगफली का होता है तो मूंगफली का खाएं, या तिल का तेल, ठीक है। और एक होता है कोकोनट ऑयल। तो मेरे हिसाब से जो रिकमेंडेशन है, जो ये सारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पे जो फिट बैठता है, और जिसका कच्ची खाने का तेल मिलता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सरसों का तेल वो खा सकता है, तिल का तेल खा सकता है, और उसके अलावा मूंगफली का तेल खा सकता है, और सोयाबीन का तेल, और जहाँ जहाँ कोकोनट ऑयल मिले, कोकोनट ऑयल कम मिलता है, कुछ राज्यों में मिल सकता है, तो ये 3-4 तेल और अच्छे होते हैं। और जो इसके अंदर की क्वालिटी की बात करें, तो जैसे कि सनफ्लावर है, या सनफ्लावर है, कुसुम तेल है, या ओलिव ऑयल है, वो सब भी अच्छे होते हैं। कनोला ऑयल भी अच्छा है, देखने में अच्छा है, पर प्रॉब्लम ये बाहर से इम्पोर्टेड है, तो एक तो इनकी प्राइस ज़्यादा होगी, दूसरा इसमें एडल्ट्रेशन होता है, इसमें पाम ऑयल, गंदी चीज़ें मिलाई जा सकती हैं, हो सकता है आपके पास अच्छा नहीं आए। और दूसरा, ये कोल्ड प्रेस नहीं मिलेंगे, ये रिफाइंड ऑयल मिलेंगे, इसलिए इनको नहीं लो तो ही बेहतर है। अब आ जाते हैं, थोड़ी सी बात करते हैं, जो स्पेशल बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जो तेल बनाती हैं उनकी बात करते हैं, राइट। मैं कंपनियों के नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन सारी कंपनियां जो ब्रांड नेम निकालती हैं, वो ये हेल्थ या प्रो शुगर या गोल्ड टोटल या एक्टिव के नाम से, इस तरह के नाम से निकालती हैं। एक्चुअली वो इसलिए निकालती हैं कि जो स्टडीज हुई है, स्टडीज में पाया गया कि अगर हम दो तरीके का अगर ऑयल को मिक्स कर दिया जाए, तो जो उसकी जो हार्ट पे असर होता है, जो कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला है वो बढ़ता है, और बुरा वाला कम हो जाता है, जो LDL है कम हो जाता है, HDL बढ़ जाता है। स्पेशली एक राइस ब्रान ऑयल होता है, जो धान का जो छिलका है उसके छिलके से निकाला जाता है। राइस ब्रान ऑयल में एक स्पेशल कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं ओरिजिनाल, बोलते हैं ओरिजिनाल। वो कंपाउंड का थोड़ा कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, एकदम क्लियर स्टडी में नहीं है, कुछ कुछ स्टडी में आया है, तो ऐसा नहीं कि वो लेने से एकदम कार्डियक प्रोफाइल अच्छी हो जाएगी, कभी हार्ट संबंधी प्रॉब्लम नहीं होगी, पर ऐसा स्टडीज में आया है। उसकी टेबलेट भी आती है, राइट। तो वो उसी के कॉम्बिनेशन को अलग अलग, कभी राइस ब्रान ऑयल को सोयाबीन से कंबाइन किया, कभी तिल के तेल से कंबाइन कर दिया, कोई कभी मस्टर्ड ऑयल से कर दिया, कभी कोकोनट ऑयल से, और अलग अलग नाम से वो लोग निकालते रहते हैं, राइट। जैसे कि अब आप देख लो, आपकी स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, इन्होंने राइस ब्रान ऑयल रिफाइंड है, उसके साथ में सनफ्लावर को मिला दिया है, कुछ एंटीऑक्सीडेंट डाल दिए हैं, कुछ विटामिन डाल दिया है, कुछ फोमिंग एजेंट डाल दिया, तो ये नाम से बदलते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो अलग अलग कंपनियां बनाती हैं, थोड़ा सा महंगी कर देती है, इसमें कुछ है नहीं, आपकी जो कुकिंग स्टाइल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया में एक और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी जो कुकिंग स्टाइल, अगर हम ज़्यादा डीप फ्राई करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा डीप फ्राई करने से जो डबल बॉन्ड होता है, जो अनसैचुरेटेड तेल है, वो जो फैटी एसिड है टूट जाता है, वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड में नहीं तो ट्रांसफैट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। जैसे जो डिब्बा होगा ना, जो तेल का डिब्बा होता है, उसमें अमूमन लिखा जाता है कि कंटेन पूफा या मूफा,
वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको डीप फ्राई करने के लिए यूज करते हो तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अगर डीप फ्राई किसी को करना है तो डीप फ्राई के लिए जैसे कि सरसों का तेल है वो सबसे बढ़िया है, या कोकोनट ऑयल है, या देसी घी है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो थोड़ा अच्छा होता है, राइट। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इंडिया में, ये भी बड़ी प्रॉब्लम। मेरा ये कहना है कि आपकी एरिया में जो तेल है सबसे पहले तो आपको कच्ची घानी का लेना है, जिसमें लिखा हो कच्ची घानी, कोल्ड प्रेस, वर्जिन, एक्स्ट्रा वर्जिन लिखा हो, और वो सस्ता हो, वो दिखने में बेकार दिखता हो, लेवल पे कुछ ज़्यादा खास नहीं हो, उसकी नेचुरल जो सुगंध है वो आए, ठीक है, आँखों में लगे गर्म करने पे, ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। तो अब आपको कौन सा तेल सिलेक्ट करना है, इसके लिए आपको, मुझे उम्मीद है कि सारी जो जानकारी मिल गई होगी, चाहे मोटापे की बात हो, चाहे हार्ट हेल्दी रखने की बात हो, डायबिटीज़ की बात हो, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि तेल नहीं खाना है। जितना 40 ग्राम हमें पर डे का चाहिए वो बहुत सारी चीज़ों से मिल जाता है, जो दूध की चीज़ें होती हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, पनीर है, छाछ है, मिल्क है, इन सब से मिल जाता है, ड्राई फ्रूट से मिल जाता है, कुछ अनाज में वही होता है, वेजिटेबल्स में भी 1-1, 2-2% होता है। तेल नहीं खाओ तो ही बेहतर है, अगर खाना ही पड़ा तो उसमें से फिर ऐसा खाएं जिसमें पॉली अनसेचुरेटेड और मोनो अनसेचुरेटेड हो, और उसको हम बहुत गर्म नहीं करना है, ठीक है, ऊपर से डालना है या कम फ्राई फ्राई करना। जो इम्पोर्टेड तेल है वो तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, या कंपनियां जो अलग अलग नाम से ब्रांडिंग करते हैं उसको भी लेने से कोई फायदा नहीं है, वो सबको फिजिकली रिफाइंड करते हैं, पहले उसके अंदर का जो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन है, उसको ख़त्म करते हैं वो लोग, फिर अलग से डाल के फिर डबल रेट में बेचते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपना सबसे अच्छा ऑयल सिलेक्ट करने में मदद मिलेगी। मेरे हिसाब से जो बेस्ट रहता है वो कच्ची घानी का तिल का तेल है, सरसों का तेल है, कोकोनट ऑयल है, और मूंगफली और सोयाबीन ऑयल है, इनमें से आप सिलेक्ट कर लो, राइट। सो थैंक यू।